आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ welcome to doubtnet so let's start the question the question says calculate the molality of solution containing 20.7 g potassium carbonate dissolved in 500 ml of solution assume density of solution to be 1 g पर लीटर ठीक है सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी मोलारिटी हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है और गिवन क्या है हमें गिवन है पोटाशियम कार्बोनेट का मास के टू सी ओ थ्री का हमें मास गिवन है दैट इज ट्वेंटी पॉइंट सेवन ग्राम्स ठीक है और हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है दैट इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड एम एल ठीक है और हमें एक एक और चीज़ गिवन है कि जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है डेंसिटी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो कितनी गिवन है वन ग्राम पर लीटर ठीक है अब हमें क्या निकालना है मोलालिटी सो so, जो हमारा मोलालिटी होता है इट इज़ इक्वल टू मोलालिटी मोलालिटी इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम इसको ग्राम्स में देते हैं तो ऊपर आता है हमारा थाउजेंड से मल्टीप्लाई होता है ठीक है सो एन ऑफ़ सॉल्यूट हमें निकालना होगा पहले एन ऑफ सॉल्यूट डैट इज़ क्या है हमारा के टू सी ओ थ्री वुड बी इक्वल टू गिवन वेट कितना है ट्वेंटी पॉइंट सेवन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है हमारा वन थर्टी एट ग्राम्स होता है इसका मॉलिकुलर वेट ग्राम मोल इनवर्स तो यहाँ पे ग्राम से ग्राम हमारा कैंसिल हो जाएगा इट वुड बी इक्वल टू ट्वेंटी पॉइंट सेवन अपॉन में वन थर्टी एट मोल्स ठीक है ये आ गए हमारे पास मोल्स अब हमें क्या निकालने इसके बाद हमें निकालना so, है इसका मोलालिटी सो मोल्स आ गए हमारे पास इसके ट्वेंटी पॉइंट सेवन अपॉन में वन थर्टी एट ठीक है सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है हमें वॉलीम ऑफ सोल्यूशन फाइव हंड्रेड एम एल सो so, हमें डेंसिटी यहाँ पे कितनी दी हुई है वन तो डेंसिटी अगर वन है तो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ठीक है so, सो मास यहाँ से सॉल्यूशन का कितना आ गया हमारे पास फाइव हंड्रेड ग्राम्स मास ये क्या है हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन ठीक है मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारा फाइव हंड्रेड ग्राम्स है मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इक्वल टू मास ऑफ सॉलवेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है सो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन का मास पता चल गया कितना है फाइव हंड्रेड ग्राम्स है और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है और मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवेन है ट्वेंटी पॉइंट सेवन सो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट को हम मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस ट्वेंटी पॉइंट सेवन अब अगर इसे उधर ले जाके सॉल्व करूँ तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी इट वुड बी फोर सेवेंटी नाइन पॉइंट थ्री ग्राम्स सो तो ये वैल्यू आई मेरे पास किसकी मास ऑफ सॉल्वेंट की तो अब हमें क्या निकालना था मोलाटी अभी हमने देखा था मोलाटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन टू थाउजेंड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स तो हमारे पास जो मोल्स आए थे वो कितने थे ट्वेंटी पॉइंट सेवन अपॉन में वन थर्टी एट और फिर इनटू में करेंगे हम उसका मास ऑफ सॉल्वेंट और फिर और क्या करना था हमें इनटू थाउजेंड करना था मल्टीप्लाई इनटू थाउजेंड अब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके पर हमारे पास क्या आंसर आएगा मोलारिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट थ्री वन थ्री मोल पर केजी